हम नारों पे नहीं जाते, हम ग्राउंड पे काम करते हैं। हमने अगर 50+ 45 तो क्रॉस किया नहीं था पिछले इलेक्शन में, तो 50 क्या होता नहीं था, मिशन क्या था नंबर मिशन 45 50+ है, 45 नहीं पहुंचे तो 50 क्या, पहले 50 पहले तो 45 आना चाहिए था। हड्डियां गंगा में क्या विसर्जन हुए वो हमने कोविड के दौरान देखे ना। मुझे नहीं लगता है कि रविंदर रायना साहब या बीजेपी को इस तरह की बातें करनी चाहिए, क्योंकि अभी भी जख्म वो जो है वो अभी मतलब वो पूरी तरह से दे हैव नॉट हील्ड। हमें हम वो तस्वीर भूले नहीं जिन लोगों ने मजबूरी और परेशानी में अपने रिश्तेदारों को गंगा के किनारे वहां रेत में दफन किया। ये बातें जो है ये रविंद्र रायना साहब के मुंह से जचती नहीं है। पहले तो उनको माफी मांगनी चाहिए जो कोविड के दौरान उन्होंने मुल्क में हालात पैदा होने दिए, फिर जाके 370 में तबसरा। हम तो 2019 में इलेक्शन की तैयारी करके बैठे हुए थे, क्योंकि तब तक हमारा असेंबली जो है वो खत्म किया गया है। जब इलेक्शन कमीशन जो है इलेक्शन कराना चाहे करे, हमारा तो सिर्फ ये है कि आप इलेक्शन से पहले हमें स्टेटहुड वापस कर दीजिए, बाकी लड़ाइयां हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ते रहेंगे। चाहे वो मुझे खत्म करने दीजिए ना, चाहे वो 370 को लेके हो, चाहे जो भी 5 अगस्त 2019 को हुआ उसकी लड़ाई जो है हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ते रहेंगे। लेकिन जहां मुल्क के वजीर आजम, मुल्क के होम मिनिस्टर सबों ने पार्लियामेंट में कमिट किया है कि जम्मू कश्मीर को जो है स्टेटहुड वापस किया जाएगा, हम तो कहते हैं ना नेक काम में देरी क्यों, आप इलेक्शन से पहले स्टेटहुड का ऐलान करिए, जम्मू कश्मीर को फुल स्टेटहुड रिस्टोर करिए और शौक से इलेक्शन कराइए। नहीं हमारे क्या इतराज, अगर नहीं होता मैंने ऐसी कोई बात नहीं देखी। हाँ जरूर एक एजेंसी की तरफ से ये खबर चली, लेकिन उसके बाद ऐसी कोई कार्रवाई तो हुई नहीं है। कार्रवाई होती है उसके बाद मुझसे सवाल पूछते हैं। मैं आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं ना, मुझे 20-22 साल हो गए सियासत में, मैं अगर मगर सवालों का जवाब नहीं देता, क्योंकि अगर मगर सवाल का जवाब फिर अगर मगर में ही आपको देखिए। आप आई एम नॉट आंसरेबल फॉर महबूबा मुफ्ती साहिबा, वन मिनट, आई एम नॉट आंसरेबल फॉर महबूबा मुफ्ती साहिबा, nor was she speaking from a platform of the PAGD, nor am I an office bearer of the PAGD. I am here in my capacity as the JNK National Conference Vice President. If there is something you want to ask me about my party and my party's leadership, I'll be more than happy to answer. I am not answerable for anything Ms. Mufti says or does on her own.